गजरोला थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती ने भाजपा नेता व एक युवक पर लगाए बैला फुसला कर ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोप। गजरोला थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती का कहना है कि भाजपा नेता व उसके साथी ने उसके साथ बैला फुसला कर गाड़ी में बैठा कर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता दर दर की ठोकर खा रही है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसपी के आदेश पर मुकदमा तो दर्ज हो गया लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने थाने में 4 लाख रुपए दे दिए हैं, इसलिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या घटना हुई है तुम्हारे साथ बताओ? मेरे साथ में मेरे को वहाँ से मोड़ का पट्टी से मेरे को नरेंद्र बिला फुसरा के ले गया, मना के मेरे को। फिर रात को हमारे ढाल पे मेरे से बजराम आया, गाड़ी ले रखी, गाड़ी थी सफेद उसके पास में बड़ी। फिर मेरे को उसमें बिठाई, फिर मुरादाबाद यहाँ से तो मैं कुछ भी नहीं गई। फिर अपने इलाके में ले आकर मेरे साथ में बदतमीजी करी मेरे साथ में, मेरी इज्जत लूटी उन्होंने। फिर बात को घर ले गए वो अपने अपने जब घर ले गए तो मेरे भैया ने उनके ऊपर कार्रवाई करी, वो खाना में डाली उनके ऊपर। कौन लेके गए थे घर? गजराम और नरेंद्र। गजराम और नरेंद्र ये कौन है? ये जिसे प्यार करती थी वो, उसका नाम तो वो है नरेंद्र और उसका एक मौसेरा भाई है। अच्छा, फिर ये मेरे साथ में उन्होंने बदतमीजी करी थी उनके जंगल में। किस किस ने? उसने गजराम ने और नरेंद्र ने। अच्छा, फिर कनाल में वो अपने घर लेके चले गए मेरे को। जब घर लेके चले गए तो वो फिर इन्होंने फिर मुकदमा करा उनके ऊपर। मुकदमा करा तो फिर इनको पुलिस वाले के पर इनको लेकर आना पड़ेगा, तुम्हें जब बुलाएंगे हम इन्हें लेकर आना पड़ेगा। तो पुलिस वालों को पुलिस वाले जब थाने में लेके आए मेरे गजरोले थाने में, पर जब लेके आए मेरे को तो इन्हें 4 लाख रुपए दिए इसमें थाने में। 4 लाख रुपए किसे दिए? गजराम ने दिए दरोगा साहब को। अच्छा, 4 लाख रुपए। तो अब आपने तहरीर दी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हुई कोई भी। अच्छा, क्या चाहती हैं आप? अब मैं चाहती हूँ मैं जो बयान करने दोबारा चाहती हूँ वो मेरे दोबारा बयान हो मैं और मेरे चेक हुआ मेरा। अच्छा, कानूनी कार्रवाई चाहती हूँ।